इंदौर में तमाम प्रयासों के बावजूद भी कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब ये संक्रमण पुलिस कर्मियों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। इसी के चलते अब विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इंदौर में पुलिस विभाग अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लगातार ड्यूटी पर तैनात है, तो वहीं अब तक 100 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस विभाग ने भी एहतियातन के तौर पर सुरक्षा के तमाम कदम उठाना शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बरती जा रही है। थानों पर पुलिसकर्मियों को फेस शील्ड और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, साथ ही सैनिटाइजेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके चलते विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजेशन के लिए मशीनें भी लगाई गई है और पुलिसकर्मी भी फेस शील्ड का उपयोग कर आवेदकों की शिकायतें सुनने में जुटे हैं। अभी कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए पुलिस कर्मियों को इससे दो तरफा मुकाबला करना है। एक तो कुछ लोगों की सुरक्षा में भी लगना है और खुद की भी सुरक्षा करना है, तो खुद की सुरक्षा के लिए पूरे स्टाफ को डेली मार्गदर्शित किया जाता है और उनको हिदायत दी कि अपने साथ जब भी कभी किसी से मुखातिब हो तो फेस शील्ड का उपयोग करें, हमेशा मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। और इसके अलावा जब भी अपने घर जाएं, परिवार को संक्रमित होने से बचाने के लिए तत्काल ड्रेस वगैरह अपनी चेंज करें। और कुछ स्टाफ को ये भी बताया गया है कि जो अगर घर जाना ज़्यादा आवश्यक नहीं है तो यहाँ रुकने के लिए भी हमने करीब एक होटल में 30 कमरे करवा के रखे हैं। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।